दोस्तों, क्या आपने भी अपने मोबाइल फोन के ऐप्स पर जो है वो लॉक लगा कर रखे हैं? दोस्तों, आपने अपने मोबाइल के ऐप्स पर जो है वो लॉक तो लगा कर रखे थे, पर आप जो है वो उनका लॉक भूल गए हैं कि आपने जो है वो अपने ऐप्स का जो है वो लॉक क्या रखा है। जैसे ही आप जो है वो किसी भी ऐप का जो है वो लॉक खोलने की कोशिश करते हो तो आप जो है वो उसका लॉक नहीं पता, इसके कारण जो है वो किसी भी ऐप को जो है वो आप नहीं खोल पा रहे। दोस्तों, अगर आपके साथ भी सेम कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपने जो है वो अपने फोन के ऐप्स पर जो है वो लॉक तो लगाए थे पर आप उनका जो है वो पासवर्ड भूल गए हैं कि आपने क्या रखा था, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आपने किसी भी ऐप पर जो है वो लॉक लगाकर आप उसका पासवर्ड भूल गए हो तो आप उसको कैसे खोल सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर दोस्तों आपने अपने मोबाइल फोन से लगाया है तब भी आप खोल सकते हो, अगर आपने अपने मोबाइल फोन में जो है वो ऐप लॉक की मदद से जो है वो लॉक लगाया है तब भी आप जो है वो उन ऐप्स को जो है वो कैसे खोल सकते हैं जिन ऐप्स पर जो है वो आपने लॉक लगाया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको जो है वो अगर आपने जो है वो ऐप लॉक की मदद से जो है वो अपने मोबाइल फोन के ऐप्स पर जो है वो लॉक लगाए हैं तो आप उनको कैसे खोल सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आपने अपने मोबाइल फोन से जो है वो ऐप को लॉक लगाया है तो आप अपने मोबाइल फोन से जो है वो ऐप वाले लॉक को जो है वो कैसे खोल सकते हैं यह भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर आपने जो है वो अपने मोबाइल फोन में जो है वो ऐप लॉक के माध्यम से जो है वो लॉक लगाया है तो आपने करना क्या है, आपने मोर सेटिंग पर करना है क्लिक, या आपके यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन वाला भी ऑप्शन होगा तो आपने वहां पर करना है क्लिक। वहां पर क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर, उसके बाद में ऑल पर कर देना है क्लिक। ऑल पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो आपको यहाँ पर जो है वो शो होने लग जाएंगी। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जो है वो जहाँ जैसे कि अगर आपने जो है वो ऐप लॉक के माध्यम से जो है वो लॉक लगाया अपने ऐप्स पर तो आपने यहाँ पर जो है वो ऐप लॉक को ढूंढ लेना है, जहाँ भी आपका ऐप लॉक दिखे तो आपने उस पर जो है वो क्लिक कर देना। जैसे कि ये ऐप लॉक है तो मैं इस पर जो है वो क्लिक कर दूंगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा उसके बारे में मान लो कि अगर जो है वो आपने जो है वो ऐप लॉक के माध्यम से जो है वो ऐप्स पर लॉक लगाया है तो आपने स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बारे में दोस्तों आपने करना क्या है, आपने जो है आपके यहाँ पर जो है वो क्लियर डाटा दिख रहा होगा, अगर आपने पासवर्ड लगाया होगा ऐप लॉक के माध्यम से तो आपके यहाँ पर जो है वो क्लियर डाटा दिख रहा होगा, स्टोरेज पर क्लिक करने के बारे में क्लियर डाटा दिख रहा होगा तो आपने करना क्या है, आपने क्लियर डाटा कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लियर डाटा कर दोगे, अगर आप किसी भी ऐप को खोलोगे उसके बारे में जो है वो आपका ऐप जो है वो खुलने लग जाएगा। अगर आपने जो है वो ऐप लॉक की मदद से जो है वो लॉक नहीं लगाया, आपकी मोबाइल की सेटिंग में ही जो है वो ऐप को लॉक लगाने वाला ऑप्शन है, आपने उसकी मदद से अगर लॉक लगाया है, मान लो कि आपके यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के नाम से भी हो सकता है, जैसे कि मेरे यहाँ पर जो है वो फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड है, आपके यहाँ पर जो है वो पासवर्ड के नाम से भी हो सकता है, तो आपने सिंपली से यहाँ पर करना है क्लिक, जैसे कि मेरे यहाँ पर जो है वो मैंने इसकी मदद से जो है वो अपने ऐप पर लॉक लगाया है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बारे में दोस्तों ये जो है वो पासवर्ड मांगता है। दोस्तों मैं पासवर्ड तो भूल गया हूँ कि मैंने अपने जो है वो ऐप्स का जो है वो पासवर्ड क्या रखा था। दोस्तों अगर आप भी भूल गए हैं, जैसे आप फॉरगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर नंबर कुछ दिखाई देते हैं कि आपने जो है वो कुछ नंबर डाले हैं या आपने जो है वो जो भी नाम रखा था, जैसे कि आपने अपने मोबाइल फोन का जो है वो पासवर्ड रखा था उस टाइम जो है वो आपके ये पूछा गया था, आपने यहाँ पर जो है वो कुछ लिखा होगा, अगर तो आपको याद है तब तो आप जो है यहाँ पर जो है वो लिख कर जो है उसके बारे में वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ही आप वेरीफाई कर दोगे, जैसे कि मान लो कि आपने कुछ भी लिखा था उसके बारे में, आपने लिखने के बारे में जैसे ही आप वेरीफाई कर दोगे उसके बारे में आपका पासवर्ड जो है वो खुल जाएगा। मान लो कि दोस्तों अगर आप ये भी भूल गया, आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो आपने करना क्या है, आपने जो है वो बैक जाना है। बैक जाने के बाद में आपने करना क्या है दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर जो है वो मोर सेटिंग पर करना है क्लिक। मोर सेटिंग पर या दोस्तों जहाँ पर कहीं भी जो है वो आपको जो है वो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, या दोस्तों आपको अपने मोबाइल को जो है वो रीसेट ही करना पड़ेगा तभी आपके जो है वो ऐप्स के लॉक जो है वो खुल पाएंगे। दोस्तों अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि अगर हम जो है वो अपने मोबाइल को रीसेट कर देंगे तो उसके बारे में जो है हमारे जो है वो डाटा जो है वो सारा कुछ जो है वो फोटो वीडियो जो है वो डिलीट हो जाएंगे। दोस्तों ये सच बात है कि आपका सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, पर आपको जो है यहाँ पर जो है वो जैसे ही आप बैकअप एंड रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बारे में आपको बैकअप डाटा वाला ऑप्शन भी दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा सेव रहे, फोटो वीडियो सेव रहे, आपका रीसेट करने के बारे में जो है वो सारा डाटा आप जो है आपके मोबाइल में ही रहे, तो आपने बैकअप डाटा पर करना है क्लिक। उसके बारे में यहाँ पर जो है वो जैसे कि आपके यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपने उस पर क्लिक करके जो है
है वो अपने सारे के सारे डाटे को जो है वो सेव कर देना। जैसे दोस्तों आप सारे के सारे डाटे को सेव कर दोगे उसके बारे में दोस्तों आपने क्लियर डाटा कर देना है। उसके बारे में दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फोन का रीसेट भी कर दोगे उसके बारे में भी आपका डाटा जो है वो सेव रहेगा। उसके बारे में आपका सारा डाटा जो है वो आपके मोबाइल फोन में आ जाएगा। दोस्तों रीसेट करने के बारे में आप किसी भी ऐप को खोलोगे तो आपका ऐप जो है वो खुलने लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप जो है वो अगर आप अपने ऐप्स के पासवर्ड भूल गए हैं तो आप ऐसे जो है उसको खोल सकते हो। दोस्तों कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा इस वीडियो लेकर आते रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।